मैं पिछले लेसन में आपको टेप बिल के बारे में टेप बीट के बारे में बता रहा था। टेप बीट क्या होता है, क्यों किया जाता है, आप देख लीजिएगा जो मैं इसके पहले। और आज मैं आपको टेप औजार के बारे में बताऊंगा। टेप औजार क्या होता है, परिचय, कार्य, भाग, भागों के नाम, पहचान, प्रकार, दोष, कारण, कार्यविधि। तो पहला है परिचय। हम कोई वस्तु कार्य करते हैं तो कुछ दिन बाद खराब होने लगता है, खराब होने लगता है, बोर्ड ढीले होने लगते हैं। तो बोर्ड ढीले होते हैं उसको टिकाने के लिए हम भिन्न भिन्न साधन बनाते हैं, रस्सी, एमसील या झुमझू जो भी है टिकाते हैं, पर वह फिर झटका टूट जाता है। पर एक ऐसा साधन अपनाया जाए जिसकी सहायता से टेप के द्वारा हम कार्य भी करेंगे और जो हमें समस्या थी वो भी समस्याओं से निपटारा भी हो जाएगा प्लस और कार्य करने में सहायता देगा। वह है टेप औजार। कार्य क्या है, वो नट के अंदर चूड़ी बनाने के लिए भिन्न भिन्न डायक अनुसार कार्य में लिया जाता है। भाग क्या है, स्टील स्पीड स्टील के बने होते हैं। भागों के नाम यहाँ आ जाइए, आप लोग यहाँ आ जाइए, हम बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये शैंक लेंथ है, थ्रेड लेंथ है, इंटरनल सेंटर है, पॉइंट डाया है, एक्सल है, लेंथ स्क्वायर है, आद है। तो ये प्रकार हैं। अब आप बताऊंगा, अभी पहचान बताऊंगा। यह लोहे का राड जैसा होता है, जिसमें हसिया जैसा दांते कटे होते हैं, इसमें तीन तरह के दांते या चार तरह के दांते कटे होते हैं जिनके द्वारा हम अंदर के बोल्ट या नट के चूड़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है, किया जाता है। तो दो या तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड टाइप, टी टाइप और एडजस्टेबल टाइप होते हैं। दोष क्या है, टेप क्यों टूटता है, मतलब डाया ज्यादा छोटा होने के कारण टूटता है, लुब्रिकेशन ना होने के कारण टूटता है, स्टेट अंदर न चलाने से होता है, प्लस इसके और जो होल होता है उसके हम ओवर साइज या छोटा बड़ा लगा इससे भी टूटता है। सावधानियाँ क्या है कि जिसके द्वारा हम सावधानियाँ ये सुनाते हैं, हम कार को नहीं करना है मतलब हम कार करने से पहले अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, अकल क्या हो जाएगा। जो जिसको जैसे मान के हम कोई भी वस्तु नया कार करते हैं पहले सफाई करना जरूरी है। दूसरा है जो भी हम वस्तु को चलाने से पहले उसको चेक कर लेना है कोई डिफेक्ट टूटा तो नहीं है। तीसरा है हम कार करते समय हमें रुकावट भी लुब्रिकेशन करें और स्ट्रेट एंगल चलाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।